अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का सीज़न हो तो बच्चों को फिक्र लाइक होती है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए इन दिस कंटेक्सट आई रिसीव्ड सो मेनी फोन कॉल्स अबाउट द मॉडल पेपर दैट आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन अकाउंट ऑफ दोज फोन कॉल्स एंड कमेंट्स आई मेड दैट मॉडल पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इंट Three sections A and B collectively, then C and then D. But still, I am receiving some phone calls about how to write a letter. And I have all already posted one letter while solving the model paper, possibly the B section. But again, did I receive a few comments and a few phone calls? And some of the students have posted a question. That is दैट इज़ पॉसिबल दम वेर इन द has has uh, asked that I should give a live class on it how to carve a letter from that very content. तो इस सिलसिले में मैंने आज एक लेटर लिखने की कोशिश की है मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इन कुछ मिनट्स के लिए रहें ताकि आपको फ़ायदा हो जाए आप समझ सकेंगे कि एक आसान तरीके से लेटर कैसी लिखी जा सकेगी तो उम्मीद यही है जैसे कि उम्मीद रहती है आपसे कि आप मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँगे शेयर करेंगे तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम और भी हो तो मेरा एक ब्लॉग भी है तारिक डॉट ब्लॉग स्पाट डॉट कॉम उस पर मेरे जो टेंथ क्लास के जो नोट्स है वो पूरे के पूरे आ, रखे हैं और वहाँ एक कैप्सूल भी रखा है जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में आता है बोर्ड एग्ज़ाम में आता है वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे जो वीडियो लेक्चर है वो विद्यादान पे पर भी हैं दीक्षा प्लेटफार्म पर, पर आप दीक्षा एक ऐप अपलोड कर सकते हैं अपनी सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में फिर उसे खोल सकते हैं आपको मेरी लेक्चर्स वहाँ इंग्लिश के हवाले से भी आएंगे नाइन्थ टेंथ के हवाले से और उर्दू के हवाले से भी वहाँ बहुत सारी लेक्चरस मेरे होंगे तो क्योंकि उन पर वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है आप उनसे भी इस्ता हासिल कर सकते हैं सो कीप विद मी फॉर टाइम सो दैट वी कैन डिस्कस टोडेज क्वेश्चन दैट इज़ हाउ टू राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ सम लोकल न्यूज़ पेपर सो सिटे विद मी सो दैट वे कूड प्रोसीड एड तो शुरू करते तो पहले बच्चों ये हमारा क्वेश्चन दिस इज अवर टुडेज क्वेश्चन यस जे के बोस क्लास टेंथ लेटर राइटिंग एंड आई एम युअर टीचर तारिक अहमद मलिक मास्टर एच एस हरदुच्चनम रफिया सो दिस हेज बीन सेंट टू मी बाई सम एंड द क्वेश्चन इज यू आर डिस्टर्बड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पीपल नॉट फॉलोइंग नाम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन इन पब्लिक प्लेस यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू एंटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर हाईलाइटिंग द प्रॉब तो पहले समझते हैं क्या करना है यहाँ यह बहुत आसान काम होता है हम बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं यू आर डिस्टर्बड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पीपल नॉट फॉलोइंग नॉर्मस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग जो सोशल डिस्टेंस यानी दूरी रखने की जो हमें हिदायत दी गई है और हाइजीन मेंटेन करने की जो हिदायत दी गई है पब्लिक प्लेसेस पर पार्क्स में स्कूलों में हॉस्पिटल्स में बस एडों में बाजारों में तो लोग उन पर अमल नहीं करते तो आप क्या करते हैं आपने फैसला कर रखा है कि मैं एक चिट्ठी लिखूँ एडिटर के नाम ग्रेटर कश्मीर के जो वादिकाई के लीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर है तो जिसके ज़रिए से आप इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते तो इसमें हम क्या क्या करेंगे थोड़ा इस पर पहले गुप्तगु करेंगे कैसे लिखेंगे पहले बच्चों इतना ज़्यादा मुश्किल ये बात नहीं है तो कैसे लिखेंगे मानो कि ये हमारा पेपर यहाँ हम शायद अगर आंसर लिखने लिखेंगे तो ये हमारा पेपर है मानो कि ये इसका मार्जिन है शुरू करेंगे हम तो पहले हम लिखेंगे कुछ चीज़ें होते हैं। पहले हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट जिसे हमने चिट्ठी लिखनी है उसका एड्रेस या हम टाइटल में लिखते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल जो हमें यहाँ है ये यह ऑफि लेटर है इट इज़ नॉट प्राइवेट ये ऑफिशल के जुमरे में आएगा जिस तरह हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं ठीक इसी तरह यहाँ एडिटर को लिखेंगे पहले उसका एड्रेस लिखेंगे जो ही एड्रेस ख़त्म किया फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट जो ही ख़त्म किया फिर सेल्यूटेशन लिखेंगे सैल्यूटेशन सेल्यूटेशन भी ख़त्म किया फिर सेल्यूटेशन के बाद बॉडी लिखेंगे यहाँ बॉडी लिखेंगे कोशिश करेंगे कि जो मैट्रिक में आप पढ़ते हैं तो आज हमारी जो ये बाडी है कम से कम तीन पैरा पर मुश्तमिल होनी चाहिए इसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री क्लोज फिर सिग्नेचर लिखेंगे तो इन चीज़ों जब का हम जब पास लिहाज करेंगे तो हम फुल मार्क्स ग्रैब कर सकेंगे एक बार फिर दोहराते हैं फर्स्ट ऑन द राइट सॉरी लेफ्ट कॉर्नर ऑफ आवर पेज नियर द विल वाइट द टाइटल एंड एड्रेस ऑफ द रेसीपेंट द पर्सन होम वे आर राइटिंग द लेटर एड्रेस विद द टाइटल इट इज़ फ्रॉम द रिशीपेंट देन आफ्टर विल बी राइटिंग the subject means the topic of the letter what is letter all about after that we'll be writing salutation sometimes sir sometimes dear sir sometimes respected sir that is called salutation after that we'll be writing body of the letter and we will prefer to write it in three paragraphs after that complimentary close just like we write uh, yours sincerely etc then we'll be writing our name तो इतना कुछ लिखने के बाद हमारी ये लेटर ख़त्म होगी जैसे क्या यहाँ हम कोशिश करेंगे तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा ये जो हमारा ये एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट यहाँ एड्रेस ऑफ रेसिप मिटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम मिसाल के तौर पर द एडिटर तो उसी को हमें द एडिटर यहाँ लिखेंगे एडिटर ये किसका एडिटर है it is the editor of uh, Greater Kashmir, the Greater Kashmir, the Greater Kashmir, then it is address where from it gets published, Sekis Prata Park, Srinagar. So, this is the Title and this is the address of the recipient. So here name, we are not recalling with the name, actual name. It is simply the title. Who is the editor there? Hardly matters what is his name. Then, Greater Kashmir, Sikhs Park, Srinagar. Now, we problem? Problem of people not following norms of social distancing and hygiene. So, when the recipient would be receiving this letter, he will. गो टू सट वे दट सब्जेक्ट बिकॉज ही विल भी रिसीविंग थाउजेंडस ऑफ लेटर्स आर ई मेल एट द सेम डे तो हम यहां लिखेंगे कैपिटल में प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड द हाइजीन ऐट पब्लिक प्लेस वेन द रिशिपेंट विल रीड दिस सब्जेक्ट ही विल स्ट्रेट वे गेट टू नो वाट इज लेटर ऑल अबाउट आफ्टर दैट विल बी राइटिंग द सेल्यूटेशन हम यहाँ सेल्यूटेशन लिखेंगे तो so, क्या लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे इसी चीज़ में सर आफ्टर दैट विल बी राइटिंग द बॉडी तो बॉडी यहाँ लंबी होगी तीन पैराग्राफर होगी तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे पहले बच्चों इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा ये है आ, एडिटर उसके नजरों में हम लाएंगे अपनी प्रॉब्लम जैसे हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोट द फैक्ट

इससे कितना ख़तरा लाइक हो सकता है फिर एक और पैराग्राफ में लिखेंगे कि जब यही लोग जो यहाँ होते हैं घर जाते होंगे वो डेफिनेटली दे विल बी डेफिनेटली कैरिंग द वायरस ऑफ कोरोना वायरस विद देम एंड विल बी इन्फेक्टिंग दियर फैमिली मेम्बर्स फॉर एग्ज़ाम्पल द इनफेंट द द दमेन एंड दोल्डीज दियर इन दियर होम्स दे विल बी पोजिंग ए थ्रेट टू दियर लाइव फिर तीसरे पैराग्राफ में हम जरूर लिखेंगे ये कि कि um, सर आई वांट योर न्यूज़पेपर टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम एट लेंगत सो दैट पीपल विल गेट टू नो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट एंड दे विल ट्राई टू कीप द लॉस एट मिनिमम उसके बाद जब ये ख़त्म होगा हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री क्लोज जैसे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं हम जैसे यूवर्सली नीचे लिखेंगे अपना नाम सिग्नेचर कहेंगे जैसे मेरा नाम है तारिक अहमद मलिक सो दिस बी एबल टू राइट दिस लेटर सो इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट फॉर राइटिंग अब आप सोचते होंगे कि क्या इसी पर हमारा टीचर गुजारा चलाएगा कि कुछ और भी दिखाएगा तो here I will be showing you the specimen letter see again we'll be reading this you are disturbed on problem of people not following norms of social distancing and hygiene in public places you have you decide to write a letter to the editor of the greater Kashmir highlighting the problem so here we have written the address of the recipient the editor ग्रेटर कश्मीर ई प्रताप पारक श्रीनगर यहाँ आप देखेंगे वी हेव नाट यूज इट इनी पंक्चुेशन मार्क्स नो काम नो पुलस्टाफ इट इज ब्लॉक पंक्चुशन स्टाइल हियर इन द सेम लाइन वी हैटन सबजक्ट दैट इज ऑफ़ सोशल डिस्टेंसिंग एंड पब्लिक हाइजीन एट पब्लिक प्लेस आफ्टर दैट वी हैव रिटन हर दिस सलूटन सर इट इज एन एफ एडिटर तो उसके बाद हमने तीन पैराग्राफ में क्या लिखा है ये देखते हैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यूर काइंड नोटिस द फैक्ट दैट कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इज नॉट ओवर येट पीपल गेट इन्फेक्टेड एवरी डे बाई इट इन द एबसेंस ऑफ परफेक्ट मेडिकेशन ऑनली प्रिकॉशनज कैन सेव प्रश ह्यूमन लाइव द डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन एडवाइजिंग द पीपल To maintain physical distance, wear face mask, masks and hand gloves, and wash hands too often. They keep advising the people to stay at home and visit the public places only when they are in dire need. Then, second para, sir, people are seen in huge numbers. At every public place these days, we know that they come out of their homes due to their compulsions. But observing SOPs is the need of the hour. The people on this place usually do not maintain physical distance, most of them do not cover their faces with masks. There is always the apprehension that when they would be returning to their homes they would be carrying the virus means the covid 19 virus with them and posing the threat to the lives of their family members so this way we have completed second para now in the third para what we actually want the editor to do in the third para sir i want your newspaper to highlight the highlight through your calmness the intensity of this irresponsible behavior of the people so that the threat to the life threat to the life of commoners be kept at minimum after that we have written here this complement clause could all be addressed thanks in advance तो यहाँ यूर्सियरली ये कापी है नीचे सिग्नेचर है तारिक अहमद मलिक सो दिस वे वे हैव कम्प्लीटेड दिस लेटर दैट लुकड ए लिटल बी टाइडी वैन ऑन सा पेपर तो उतना मुश्किल काम होता नहीं है ये जितना ये पहले दिखाई देता है तो पहले बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये आज का ये जो लेसन है ये बखूबी अंडरस्टैंड किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और जो भी आपको लगे कि अभी कुछ सीखना बाकी है इस पेपर में से तो हिच जाएगा नहीं तो अंग्रेज़ी के हवाले से भी टेंथ के अंग्रेजी के हवाले से भी एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन अबाउट 10th class Urdu about letter writing, about grammar, about anything that is there in the class 10th Urdu or English. So, do subscribe to my YouTube channel and share my videos with all of your friends. Thank you. Have a nice day.